सरकार बनाने का जो क्लेम होता है उसके लिए मिलेंगे। ही विल स्टेक क्लेम टुमारो टू फॉर्म द गवर्नमेंट। राघव जी एक सवाल ये हैगा कि जिहड़ी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल दे विच जिस तरह जिक्र कीता कि 17 दे 17 चेहरे जां 18 दे 18 चेहरे, कि इक दिन ही शपथ लैण जा रहे, कोई इस चीज नूं लेकर डिसाइड हो चुके कौन मंत्री होगा, शपथ कौन लोग लेगा, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मान साहब की सरकार है, मान साहब तय करेंगे कि कौन शपथ लेगा, कब लेगा। मैं सिर्फ भगवंत मान साहब को, अपने बड़े भाई को, छोटे भाई होने के नाते, कोई पार्टी का पंजाब इंचार्ज या ऑब्जर्वर होने के नाते नहीं, एक छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई को शुभकामनाएं देने आए। सर समागम खड़गड़ में करेंगे जी, और बहुत ही बड़ी मुझे लगता है पूरा पंजाब वहाँ आएगा, और शहीद आज़म भगत सिंह हम सब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। केजरीवाल साहब मान साहब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। तो हम खड़गड़ कलां की पावन धरती पे एक नया इतिहास रचना शुरू करेंगे और मान साहब पंजाब के सीएम बनेंगे। डीजीपी और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की, आपको लगता है काम अभी से शुरू हो चुका है? उस पे मान साहब बताएंगे, वो मान साहब की मीटिंग थी। सर 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 संयुक्त समागम च केड़े-केड़े चेहरे ने जिहड़े अरविंद केजरीवाल जी तो इलावा होर देख सकते हैं, केड़े-केड़े मुख्यमंत्रियों नु सद्दा जिहड़ा दिता जाएगा दूसरी स्टेट दे, क्योंकि बहुत सारे लोग तुहाडे नहीं देखो अभी सीएम साहब मान साहब सीएम डेजिग्नेट भगवंत मान साहब पार्टी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम आने वाले समय में आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग आएंगे। और आज मान साहब अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट करके आए हैं, उनको न्योता देकर आए हैं कि वो आए और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री की जो शपथ होगी उसमें हिस्सा लें, और सरकार बनाने का जो क्लेम होता है उसके लिए मिलेंगे। ही विल स्टेक क्लेम टुमारो टू फॉर्म द गवर्नमेंट। राघव जी एक सवाल ये हैगा कि जिहड़ी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल दे विच जिस तरह जिक्र कीता कि 17 दे 17 चेहरे जां 18 दे 18 चेहरे, कि इक दिन ही शपथ लैण जा रहे, कोई इस चीज नूं लेकर डिसाइड हो चुके कौन मंत्री होगा, शपथ कौन लोग लेगा, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मान साहब की सरकार है, मान साहब तय करेंगे कि कौन शपथ लेगा, कब लेगा। मैं सिर्फ भगवंत मान साहब को, अपने बड़े भाई को, छोटे भाई होने के नाते, कोई पार्टी का पंजाब इंचार्ज या ऑब्जर्वर होने के नाते नहीं, एक छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई को शुभकामनाएं देने आए। सर समागम खड़गड़ में करेंगे जी, और बहुत ही बड़ी मुझे लगता है पूरा पंजाब वहाँ आएगा, और शहीद आज़म भगत सिंह हम सब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। केजरीवाल साहब मान साहब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। तो हम खड़गड़ कलां की पावन धरती पे एक नया इतिहास रचना शुरू करेंगे और मान साहब पंजाब के सीएम बनेंगे। डीजीपी और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की, आपको लगता है काम अभी से शुरू हो चुका है? उस पे मान साहब बताएंगे, वो मान साहब की मीटिंग थी। सर 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 संयुक्त समागम च केड़े-केड़े चेहरे ने जिहड़े अरविंद केजरीवाल जी तो इलावा होर देख सकते हैं, केड़े-केड़े मुख्यमंत्रियों नु सद्दा जिहड़ा दिता जाएगा दूसरी स्टेट दे, क्योंकि बहुत सारे लोग तुहाडे नहीं देखो अभी सीएम साहब मान साहब सीएम डेजिग्नेट भगवंत मान साहब पार्टी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम आने वाले समय में आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग आएंगे। और आज मान साहब अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट करके आए हैं, उनको न्योता देकर आए हैं कि वो आए और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री की जो शपथ होगी उसमें हिस्सा लें। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647 84374 94648।